हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू, एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल के डिफिनेशंस, एग्जांपल्स, साथ में मॉड्यूल की प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस था उन क्वेश्चंस को हमने बनाया था। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से समझा होगा उस टॉपिक्स को और अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सब मॉड्यूल, साइक्लिक मॉड्यूल, फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल्स, ये सारे तमाम जो टॉपिक्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि ग्रुप थ्योरी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, इन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तब आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। सब मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, लेट एम बी एनी आर मॉड्यूल अननोन एम्प्टी सबसेट एन ऑफ एम, दैट इज, ऐसा आप लिख सकते हो नोटेशन में अगर ये लिखना चाहो तो, दैट इज एन इज सबसेट ऑफ एम, इज कॉल्ड आर सब मॉड्यूल ऑफ एम। मतलब कोई मॉड्यूल का सबसेट जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सब मॉड्यूल कहते हैं, यदि इसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हो। पहला है स्टूडेंट्स, एन प्लस, एन प्लस इज सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ एम प्लस, राइट, एम प्लस इज सब ग्रुप ऑफ एम प्लस। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा जैसे कि तरीका हो सकता है, एन इज एडिटिव अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप ऑफ एम, ऐसा भी लिख सकते हो, आपका जैसा भी मर्जी हो, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ये भी वही है स्टूडेंट्स, ये आपका एम प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये उसका क्या होना चाहिए, सब ग्रुप, मतलब क्या, एडिटिव अबेलियन सब ग्रुप, राइट। स्टूडेंट्स, आप सभी को सब ग्रुप होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन पता होना चाहिए। वो कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज दैट कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्या है, एन है, और बी बिलोंग्स टू क्या है, एन है, तो ये क्या देना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एन देना चाहिए। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो, दैट इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एन, वेयर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, ये पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, फॉर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एन, दिस इंप्लाइज दैट दिस आर इंटू ए बिलोंग्स टू एन, ऐसा होना जरूरी है, ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स परिभाषा। फिर से एक बार देख लीजिए, मान लेते हैं आपके पास एम जो था एक क्या था, मॉड्यूल था, तो उसका एक जो सबसेट है एन, उसी सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं, सब मॉड्यूल कहते हैं, यदि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन क्या, वो जो एन है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन सब ग्रुप हो इसका, किसका, मॉड्यूल का, और मतलब क्या दिखाना है आपको, a माइनस बी बिलोंग्स टू n, यही है आपका सब ग्रुप का परिभाषा। फिर दूसरा क्या दिखाना है, r बिलोंग्स टू r, कोई एलिमेंट है, a बिलोंग्स टू n, फिर से a इंटू r या फिर r इंटू a, आप दोनों ले सकते हो, वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, n पर बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट्स, तब ये जो n है स्टूडेंट्स, इसी n को हम क्या कहते हैं, सब मॉड्यूल कहते हैं, किसी मॉड्यूल m का। डेफिनेशन क्लियर हुआ स्टूडेंट, अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसे भी नोट कर लेना अपने कॉपी में, इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सब मॉड्यूल। तो ये ट्रिवियल सब मॉड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर जीरो एंड एम, तो स्वयं सबसेट एम और जीरो, इन दोनों से जो बनने वाला सब मॉड्यूल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रॉपर सब मॉड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, अदर देन जीरो एंड एम, जीरो और एम को छोड़कर जो भी मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब मॉड्यूल कहलाएंगे। यदि जीरो और एम होगा तो उसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल। मान लो कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके पास जीरो और एम के सिवा कोई और सब मॉड्यूल नहीं बनता हो, तो ऐसे सब मॉड्यूल को हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल सब मॉड्यूल। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मान लो आपके पास कोई मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल पे जीरो और एम के अलावा कोई दूसरा सब मॉड्यूल बनता ही ना हो, तो ऐसे मॉड्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल मॉड्यूल। ओके,
अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स सब मॉड्यूल का कुछ एग्जांपल। सब मॉड्यूल का एग्जांपल, पहला एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, मान लो कोई रिंग आ रहा है स्टूडेंट्स, तब उसका जो प्रत्येक जो लेफ्ट आर्डियल होता है वो हमेशा उस रिंग के लिए क्या होता है, एक सब मॉड्यूल होता है। आपको लेफ्ट आर्डियल पता होगा स्टूडेंट्स, जिसे आप हिंदी में गुर्जावली कहते हो, बीएससी में पढ़ा होगा आप सभी ने। एक बार रिविजन कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई रिंग है आर प्लस आर डॉट, ये आपका रिंग है। अब रिंग में कोई सेट है, कोई सेट आई है, इस आई सेट को ही हम क्या कहते हैं, इस रिंग के लिए हम क्या कहते हैं, गुर्जावली या फिर आर्डियल कहते हैं, हिंदी में गुर्जावली कहते हैं, आर्डियल होता है। यदि आई प्लस क्या हो, आई प्लस जो हो एक क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए, ये सब ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सब ग्रुप की कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा था उसी प्रकार से होता है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, जहां पर ए और बी दोनों ही आई के एलिमेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है, मान लो आपके पास कोई एलिमेंट R है, R बिलोंग्स टू R, रिंग का कोई एलिमेंट है, और हम कोई एलिमेंट यहाँ से I का कोई एलिमेंट लेते हैं, वो है आपका A बिलोंग्स टू I कोई एलिमेंट लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट R इंटू A बिलोंग्स टू क्या मिलना चाहिए, I मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तब जाके इस सबसेट को, कोई रिंग था, रिंग के सबसेट को ही हम क्या कहते हैं, आर्डियल कहते हैं, यदि ये प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाए। और दूसरा क्या है, कोई एलिमेंट आर है और कोई एलिमेंट आई है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आई पर जाएगा। यदि आर जो है लेफ्ट से रहेगा तो लेफ्ट आर्डियल बनेगा, यदि आर जो है राइट से मल्टीप्लाई होगा एक साथ तो राइट मॉड्यूल बनेगा स्टूडेंट्स, तो इसको याद रख लेना। तो अभी हमने क्या समझे स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट आर्डियल होता है रिंग में, अगर कोई मॉड्यूल मौजूद है उसके लिए सब मॉड्यूल का काम करेगा ही करेगा। कहने का ये मतलब है कि ये एक सबसेट है, ये मॉड्यूल की तरह भी होगा और ये सब मॉड्यूल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा देख लीजिए स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास एम क्या है, मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल एम के पास क्या है, कोई एलिमेंट एक्स है, तब एक नया सेट आर एक्स, जहाँ पर आर मतलब रिंग और एक्स मतलब एम का एलिमेंट, तो ये जो नया सेट बनाया है इस प्रकार से डिफाइन होगा, आर इंटू एक्स, हो सकता है आर वन एक्स, आर टू एक्स, आर थ्री एक्स, आर फोर एक्स, जहाँ पर आर वन आर टू आर सारे एलिमेंट किसके होंगे, आर के एलिमेंट होंगे। तो ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, हमेशा सब मॉड्यूल होगा इस एम का, ध्यान से देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट्स कई एग्जाम्पल है, आप कम से कम दो तीन एग्जाम्पल याद रखना, इसको अपने कॉपी में लिख लेना स्टूडेंट्स, ओके। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल। मतलब देखिए, मान लो आपके पास कोई फैमिली है एन आई, ये क्या है, सब मॉड्यूल्स की फैमिली है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर एन वन, एन टू, इस प्रकार से एन थ्री, ऐसे कुछ सब मॉड्यूल्स होंगी, अर्थात ये सारे सब मॉड्यूल्स का कलेक्शन है, एक फैमिली है। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ एन आई, मतलब यहाँ से कोई भी आर्बिट्री कुछ एलिमेंट्स ले लें, चाहे एन वन एन टू को हो, चाहे कुछ भी हो, आप स्वेच्छा से कुछ ले लेते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, एक सब मॉड्यूल की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। मतलब सब मॉड्यूल में से इंटरसेक्शन जब निकाल लेते हैं तो भी वो क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है, इस बात की हमें पुष्टि करना होगा स्टूडेंट। बात आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मतलब यहां पर हमारा जो परिभाषा है इस परिभाषा को ही सेटिस्फाई कराना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। प्रूफ, प्रूफ, लेट एन आई इज अ फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एन आई इज आल्सो अ सब मॉड्यूल, राइट, सब मॉड्यूल, ये आपको प्रूव करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर दिस स्टूडेंट्स हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई, एन आई एंड आर बिलोंग्स टू आर कोई एलिमेंट्स हैं। यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू हमने क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ एन आई, इंटरसेक्शन ऑफ एन आई में जो भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स क्या है, किसी न किसी सब मॉड्यूल्स का ही एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स। मतलब एक्स और वाई क्या है, कोई ना कोई सब मॉड्यूल्स का ही एलिमेंट है। मतलब स्टूडेंट्स, सब मॉड्यूल का जो डेफिनेशन होता है उसको तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर इंटू एक्स एंड
R into Y belongs to intersection of Ni. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी सब मॉड्यूल्स के ही इंटरसेक्शन से बनाया गया है। तो ये पूरे फैमिली का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, मान लो X और Y सब मॉड्यूल का ही एलिमेंट रहा होगा, तब जाके इंटरसेक्शन में हमने X, Y को निकाल के रखा है। तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। स्टूडेंट्स हमने दूसरा कंडीशन को पहले दिखा दिया, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। X, Y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई, ये कुछ एलिमेंट्स है, एंड R बिलोंग्स टू R कोई एलिमेंट्स है। हमने यहाँ पर X, Y बिलोंग्स टू एन आई लिखा है, मतलब इंटरसेक्शन पे जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, X, Y बिलोंग्स टू एन आई। एन आई मतलब क्या है? स्वेच्छा से कोई भी आप सब मॉड्यूल ले लेते, उसी का कोई एलिमेंट रहा होगा। एन आई मतलब क्या है? फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स। तो वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स और वाई जो है एन आई के एलिमेंट है, तो एक्स माइनस वाई भी एन आई के ही एलिमेंट होंगे। कैसे? क्योंकि ये सब मॉड्यूल था तो सब मॉड्यूल की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई जो है एन आई पर है, एन आई पूरे सब मॉड्यूल का फैमिली है, तो इसका इंटरसेक्शन में कहीं ना कहीं एक्स माइनस वाई आएगा ही आएगा। एक्स माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इज क्लियर, इंटरसेक्शन ऑफ एन आई इज सब मॉड्यूल्स। आप इस स्टेटमेंट को लिखना चाहो तो अंत में स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिख देना स्टूडेंट्स, तब आपका जो थ्योरम है बहुत ही अच्छा दिखेगा और नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं और कुछ डेफिनेशंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके कॉपी में होना चाहिए। पहला, सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय सबसेट ऑफ मॉड्यूल्स। मान लो कोई सेट एस है किसी मॉड्यूल का, तो इस सेट एस द्वारा कोई अगर नया मॉड्यूल बनाया जाए, छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल को ही हम क्या कहेंगे, सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय सेट एस। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, मान लो आपके पास क्या है, एस सबसेट है किसका, मॉड्यूल एम का, देन द स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग अ सबसेट एस इस कॉल्ड आर सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस। कहने का सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मान लो आपके पास कोई सेट एस है जो कि सबसेट ही है किसका, मॉड्यूल का ही सबसेट है। इसी मॉड्यूल के सबसेट में अगर हम ये कह दें कोई छोटा सा सब मॉड्यूल एक कोई के ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं, ये कहाँ कंटेन होना चाहिए, इस एस के अंदर कंटेन होना चाहिए, और ये सब मॉड्यूल के डेफिनेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो सब मॉड्यूल बनेगा, इस सब मॉड्यूल को हम क्या कहेंगे, सब मॉड्यूल जनरेटेड बाई एस। पहले आपको अपने लैंग्वेज में चीज़ों को समझना है, फिर याद रखना है, फिर उसके बाद उसको लिखना है। फाइनेटली जनरेटेड आर मॉड्यूल शब्द से ही स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि जो ऐसा मॉड्यूल जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है एक मॉड्यूल एम, उसको हम फाइनेटली जनरेटेड मॉड्यूल कहेंगे यदि एम के पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दैट इज एम इज इक्वल टू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगी वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर आप के को फाइनाइट बोल सकते हो, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से सरल और आसान भाषा में चीजों को याद रखना होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो डेफिनेशन है 2017 में पूछा गया था। अब देख लेते हैं साइक्लिक मॉड्यूल। तो साइक्लिक मॉड्यूल स्टूडेंट्स 2015 में पूछा गया था, ये भी बहुत सिंपल है। एक मॉड्यूल एम को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक मॉड्यूल कहेंगे यदि इसके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि जनरेटर एलिमेंट हो। स्टूडेंट्स आप साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा पढ़े होंगे बीएससी में, साइक्लिक ग्रुप कैसे, जैसे कि एक ग्रुप जी है, हम लेते हैं ग्रुप जी और इसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आई, फिर हम क्या लेंगे माइनस आई, वन माइनस वन, जहां भी ले सकते हो। ये एक साइक्लिक ग्रुप हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, साइक्लिक ग्रुप हुआ करता था किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता था, साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि जी को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जी को हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट यहाँ से चूज कर सकते हैं जिसके रिपीटेशन से जी के हर एक एलिमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम आई को ले सकते हैं, देखिए
क्या आई के रिपीटेशन से जी के हर एक एलिमेंट मिलेंगे? हमने यहाँ पे लिखा है जी इज जनरेटेड बाय आई। आपको याद रखना है कभी भी साइक्लिक ग्रुप को लिखते हैं तो हमेशा उसका जनरेटर एलिमेंट को लिखा जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स यह डॉट, मतलब आई को आई से कितने बार इंटू करोगे कि हर एक एलिमेंट मिलता चला जाए। जैसे कि आई का आई के साथ हम इसका पावर वन करेंगे तो क्या मिलेगा, आई ही रहेगा, ठीक है। पावर हम टू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस वन मिल जाएगा। इस प्रकार से पावर थ्री करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, पावर थ्री करेंगे तो आपको मिलेगा आई मिलेगा, माइनस आई मिलेगा। इस प्रकार से पावर फोर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। मतलब आई के पावर को हम बढ़ाते गए, मतलब इसी को रिपीट करते गए तो आपको क्या मिला, जी के हर एक एलिमेंट मिल गए स्टूडेंट्स। इसलिए ये जो ग्रुप है वो डॉट के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो आपके पास कोई मॉड्यूल एम है तो यहाँ पर मॉड्यूल के डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ा था प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप है, ये सारे होंगे। और आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हम चूज करेंगे जिनका बार बार रिपीटेशन से एम के हर एक एलिमेंट प्राप्त किया जा सके, तो ऐसे मॉड्यूल को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, साइक्लिक मॉड्यूल कहेंगे। अब हम देख रहे थे स्टूडेंट्स सम ऑफ सब मॉड्यूल। मान लो आपके पास कोई मॉड्यूल है और बहुत सारे उसका सब मॉड्यूल्स हमने निकाल दिया, जैसे कि हम एन आई बोल दें। एन आई क्या है जी, बहुत सारे सब मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, एन वन एन टू एन थ्री, इस प्रकार से बहुत सारे सब मॉड्यूल है। तो ये सब मॉड्यूल्स की जो एडिशन होता है, समेशन होता है, वो कैसा होता है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो कुल मिला के समेशन को ही डिफाइन करना है, लेकिन शब्दों में कुछ हेर फेर होते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को। आप चाहो तो अपने सिंपल भाषा में चीज़ों को याद रख सकते हो, आपको कभी भी एग्जाम में खाली जगह नहीं छोड़ना है। देख लीजिए, मान लो आपके पास एन आई क्या है, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स है। कोई मॉड्यूल एम था, उसके सारे के सारे सब मॉड्यूल्स का कलेक्शन है एन आई। द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल जनरेटेड बाई यूनियन ऑफ एन आई, मतलब यूनियन ऑफ एन आई से कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कि कोई सब मॉड्यूल्स के फैमिली से हम कुछ ऐसे मॉड्यूल्स कलेक्ट कर लेंगे जो कि स्मॉलेस्ट हो, यूनियन कर लेंगे, उसके पश्चात भी आपको स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल्स मिले, मतलब उनको जनरेट करेंगे यूनियन के द्वारा और छोटा से छोटा हो। तो यही जो जनरेट किया गया सब मॉड्यूल्स हैं यूनियन के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ सब मॉड्यूल्स कहते हैं, जो कि फ्रेंड्स एन आई पर ही कंटेन होता है। कहने क्या मतलब है, कोई भी इस प्रकार से हम एडिशन लेंगे सब मॉड्यूल्स का, ये किसका हिस्सा रहेगा, हमेशा ये हमेशा सबसेट होगा एन आई का स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है ये सारे चीजें, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब को भी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। जैसे कि हम समेशन ऑफ एन आई आई इज इक्वल टू 1 से के लिखे हैं, यहाँ पर क्या है समझिए, यहाँ पर ये एक्स वन किसका एलिमेंट होगा, ये एक्स वन एलिमेंट होगा स्टूडेंट एन वन का। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये एक्स टू किसका एलिमेंट होगा, एक्स टू एलिमेंट होगा एन टू का, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एन वन एन टू के एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को ही यूनियन किया जा रहा है, कहने का मतलब मिलाया जा रहा है, तब जो समेशन बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ सब मॉड्यूल। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया है कि एक्स वन एक्स टू एक्स के इस प्रकार से एडिशन किया जाएगा और एक्स आई बिलोंग्स टू क्या है एन आई, मतलब आई का वैल्यू हम रखते चले जाएंगे 1 2 3, आपको समझ आ जाएगा कि एक्स वन जो है एन वन का है, एक्स टू जो है एन टू का है, इसी प्रकार से एक्स आई एलिमेंट किसका एलिमेंट है एन आई का एलिमेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिखिए और पढ़िए, फिर समझिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड हम थ्योरम बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं सम ऑफ सब मॉड्यूल्स पर एक थ्योरम, जो कि बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, लेट एन आई ये कोई फैमिली है सब मॉड्यूल्स का, तब देन आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस में एक्स टू प्लस में इस प्रकार से एक्स के तक जाएगा, जहां पर इच एक्स आई क्या है एन आई का एलिमेंट है। जैसे कि हमने शुरू में डेफिनेशन बताया था, उस डेफिनेशन को आप याद रख लीजिए। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं लेट एस इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस एक्स के सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू एन आई, राइट। हमको क्या दिखाना होगा, ये एन आई इज इक्वल टू एस आपको दिखाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सम ऑफ सब मॉड्यूल्स जो होता है एक सब मॉड्यूल्स ही होता है, मतलब सब मॉड्यूल्स के जो डेफिनेशन है उसको एस के लिए
सेटिस्फाई कराना होगा। अगर एस के लिए सब मॉड्यूल्स का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो इस एस के जगह में हम यहां पर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन आई को पुट कर देंगे। स्टूडेंट इस एस पर हम दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, एक है एक्स और एक है वाई। अब देखिए इस एक्स वाई को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई। ये एक्स कैसा होगा, एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में इस प्रकार से एस के। इसी प्रकार से स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 प्लस में इस प्रकार से yk, राइट। अब इन दोनों के माध्यम से आपको क्या पता चला कि xi और yi जो होता है सच दैट ये किसके एलिमेंट हो सकते हैं, ni के एलिमेंट ही रहा होगा। देखिए स्टूडेंट इसको हमने कंसिडर किया है, समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए इसको और जो भी हमने शब्द लिखा है उसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, x कॉमा y बिलोंग्स टू s, दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस में x2 प्लस में इस प्रकार से एक्स के कॉमा वाई वन प्लस में वाई टू प्लस में इस प्रकार से वाई के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस हो जाएगा, बिलोंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप देखिए हमने क्या बोला था, एक्स आई कॉमा वाई आई आल्सो बिलोंग्स टू एन आई, मतलब जो पहले कहा था उसको हमने एक शब्द में लिख दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं, इसको एक ही बार लिख सकते थे। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको एक बार और मैनेज करके लिखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा अच्छा दिखे और स्पष्ट दिखे करके। तो ये चीज आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, एक्स आई और वाई आई किसका एलिमेंट है, एन आई का। और एन आई क्या है स्टूडेंट्स, एन आई जो है फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल है, मतलब ये सब मॉड्यूल के डेफिनेशन को क्या करता है स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई करता है। मतलब हो जाएगा एक्स आई माइनस में y i also belongs to n i हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स x y belongs to s को हमने बढ़ाते हुए आगे ले गए तो हमको क्या रिजल्ट मिला है, x minus y belongs to n i मिला हुआ है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स यदि हम इसको इस रूप में लिख दें, मान लो इस रूप में लिख दें और बीच में हम क्या कर दें सब्सट्रैक्शन का साइन लगा दें तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। ऊपर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स आई की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे और वाई आई की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा स्टूडेंट्स आगे एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में इस प्रकार से एक्स के, राइट, एक्स के माइनस में यहां पर हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस इस प्रकार से yk। और ये सब के सब किसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स, एसके के ही एलिमेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट है, एसके के एलिमेंट है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स वन माइनस में y1 प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x2 माइनस में y2, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। अंत में आपको क्या मिलेगा, xk माइनस में yk मिलेगा, बिलोंग्स टू s स्टूडेंट। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, यदि xk माइनस yk बिलोंग्स टू s है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो x माइनस y बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, s होने वाला है। इसको आप समझ लीजिए किसका कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये है सब मॉड्यूल्स का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, R इज एन एलिमेंट ऑफ रिंग एंड X इज एलिमेंट ऑफ सेट S। हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, देन ये क्या देने वाला है, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर इसको एक बार लिखे हो तो दोबारा क्यों लिखते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे बार में हम दिखाते हैं कि ये क्या इंप्लाइज करने वाला है, इससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम यहां पर फिर से अगेन लिख लेते हैं, R बिलोंग्स टू R एलिमेंट कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एस, ये क्या इंप्लाइज करने वाला है, आर बिलोंग्स टू आर एंड एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स लिख सकते हैं एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स टू प्लस में इस प्रकार से एक्स के बिलोंग्स टू एस हम लिख सकते हैं ऐसा। ये चीजें आप पहले से भी जानते हो स्टूडेंट्स, x1, x2, xk belongs to s है तो हम पहले ही स्टेटमेंट में क्या बोले थे, x1 plus x2 plus xk अगर ni का हिस्सा है, मतलब xi belongs to क्या होता है ni, तो this implies that हम क्या लिखेंगे, r belongs to s, comma xi belongs to हम क्या लिखेंगे ni। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ni सब मॉड्यूल्स का कलेक्शन है तो r into में xi belongs to क्या हो जाएगा, ये ni ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट में से हमने कुछ रिजल्ट फाइंड किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इसको और क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए इसको, r into x1 प्लस में r into x2 प्लस में इस प्रकार से r into xk ऐसा हम लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको और क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, r इंटू में यहां पर लिखेंगे x1 प्लस में x2 प्लस में इस प्रकार से xk,
बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए ध्यान से, ये हमने एक्स का वैल्यू हमने क्या रखा था, एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स के, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर इन टू में है लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा एस, फॉर आल आर बिलोंग्स टू आर था और एक्स बिलोंग्स टू क्या था स्टूडेंट्स एस था। तो देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू और थ्री से क्या स्पष्ट हुआ, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट एस इज सब मॉड्यूल, एस इज सब मॉड्यूल, सो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलने वाला स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू एस एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स के सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू एन आई, ये आपका सब मॉड्यूल होगा, ये भी सब मॉड्यूल होगा ओके। इसके बाद हम पूरे को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, जैसे कि एक्स आई बिलोंग्स टू क्या है एन आई, वाई आई बिलोंग्स टू क्या है एन आई, मतलब स्टूडेंट्स हम एडिशन कर दे आई इज इक्वल टू वन से के तक किसका एन आई का, तो ये भी हमारा क्या होगा एस ही होगा, समझ आ रहा है नहीं, हम क्या कर दे एन आई को हम एडिशन कर दे कहां तक आई इज इक्वल टू वन से के तक, कहने का मतलब हमारा यही है, मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि एक्स वन बिलोंग्स टू क्या हुआ करता था एन वन, एक्स टू बिलोंग्स टू क्या था एन टू, उसी प्रकार से सबको एड कर देंगे तो हमको क्या लिखना पड़ जाएगा एस की जगह पे हमको समेशन ऑफ एन आई लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखिए, समेशन आई इज इक्वल टू वन से के एन आई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में इस प्रकार से एक्स के सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू एन आई, ओके स्टूडेंट्स यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए समेशन ऑफ एन आई एस ही मिलेगा क्योंकि आपका एक्स वन बिलोंग्स टू एन वन था, एक्स टू बिलोंग्स टू एन टू है, इसी प्रकार से एक्स आई बिलोंग्स टू क्या होता है एन आई, तो ये पूरा एडिशन ही क्या कहलाएगा आपका, ये समेशन ऑफ एन आई एस ही मिलेगा कुल मिला के, इसी से हमको ये रिजल्ट मिला। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यह हेल्पफुल होगा, यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो सारे टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मॉड्यूल के कुछ और टॉपिक्स है जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, जय हिंद वंदे मातरम।